नमस्ते। आज हमारे साथ दिनेश यादव जी है। ये हिंदी में वीडियो होने वाला है बहुत दिनों बाद। और दिनेश जी पहले भी हमारे चैनल पे आए थे और आप सबको और मुझे बहुत सारा ज्ञान उन्होंने दिया। और आज भी वो हमारे साथ है और हम आधा घंटा पहले आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो बुद्ध बुद्ध महाराज और गुरु महाराज अभी फाइनली मार्गी हुए हैं, तो हम सोचे कि कर ही लेते हैं आज। तो नमस्ते सर, स्वागत है आपका एग्जॉटिक जी एस्ट्रोलॉजी में। और प्लीज बताइए क्या सिखाने वाले हैं आप आज हम सबको। आज हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं उपपद लग्न। और जो उपपद लग्न का जो हम लोग टॉपिक लेंगे स्पेसिफिकली वो है टॉपिक टर्मिनेशन ऑफ मैरिज को लेकर के है कि अनमेरिड चार्ट्स में किस तरह की स्थितियां बनेंगी और अगर डिवोर्स होने वाला तो किस तरह की स्थितियां बने। अच्छा, आज का जो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं जो ट्रेडिशनल वे में हम उपपद लग्न लेते हैं वैसा नहीं है। ये पर्टिकुलर एक रिसर्चर हैं जगदीश रात्रा जी करके, उन्होंने अपनी बुक में ये मेथड दिया है और आई वर्कड ऑन इट और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट बने। तो आई थिंक मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आज हम लोग वो मेथड लेने वाले। जरूर सर, तो जरूर। ना, मुझे शेयर का ऑप्शन दीजिएगा आप। हाँ अभी कर सकते हैं शायद आप शेयर। तो देखिए, उपपद लगन बेसिकली क्या है, हम सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं इन जनरल कि 12th हाउस जो है आपका, 12th हाउस का हम उपपद लगन निकालते हैं, पद निकालते हैं 12th हाउस का कि जहां पर आपका 12th लॉर्ड गया है उतने ही भाव हम लोगों को आगे पहुंचना हो। करेक्ट ये हमारा सर। उपपद लगन का है और उपपद लगन का है। अच्छा, इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आपका पद यदि पहले भाव में आ रहा है या सप्तम भाव में आ रहा है तो उससे हम लोग 10th हाउस में आगे बढ़ जाते हैं। ये भी सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। ओके, करेक्ट। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी विशेष चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग यूज में लेते हैं वैसा नहीं है यहाँ। तो जो ऑथर है दे सेड कि सबसे पहले हम लोगों को पितृ लग्न लेना है। तो पितृ लग्न इन्होंने कहा है आपका लग्नेश जो है जिस भी भाव में चला जाए। ओके, मान लीजिए इन जनरल हम लोग लेते हैं कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड जहां पर भी गया है उससे उतने ही भाव हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, आपको उपपद लग्न निकाल। यहां पर हम लोगों को लेना है कि आपका लग्ना लॉर्ड जहां पर जा रहा है। ओके, तो लग्ना लॉर्ड जहां पर जा रहा है वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है लग्ना लॉर्ड की, और उस लग्ना लॉर्ड का फिर हम लोग देखेंगे आपका 12th हाउस। हाँ, ओके, लग्न ठीक लॉर्ड है, जहाँ है वहां से 12th। तो वहां से हम लोग देखेंगे। अच्छा, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट भी है इस जगह पे, टेक्निकल पॉइंट है। यहां पर हम लोगों के लिए दो तरह की चीजें बताई गई है। पहला एक पॉइंट आता है अग्रचर, अग्रचर, और एक पॉइंट आता है आपका अनुचर। ओके, तो अच्छा दे सेट पहली चीज तो ये है, हमारा स्टेप 1 ये है कि आपका लग्ना लॉर्ड जहां पर भी गया है वहां पर हम लोगों को पहुंचना है, और वहां जाने के बाद में हम लोगों को वो साइन देखना है कि वो कौन सा साइन है। ओके, साइन अच्छा आपका ऑड है या साइन आपका इवन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि मेल चार्ट और फीमेल चार्ट दोनों के लिए हम लोगों को अलग अलग विधियां बताई। तो जब हम लोग मेल चार्ट के लिए देखेंगे तो अग्रचर का एक्चुअली मतलब होता है कि आगे चलने वाला, और अनुचर का जो मतलब है बेसिकली फॉलो करने वाला, पीछे चलने वाला। तो जब हम लोग किसी पुरुष का चार्ट देखेंगे तो हम लोग लेंगे कि अग्रचर सॉरी अनुचर वाइफ के लिए, और अगर हम लोग किसी स्त्री का चार्ट लेंगे तो हम लोग लेंगे अग्रचर। राइट, तो पहला पॉइंट है स्टेप 1 कि आप लग्ना लॉर्ड से जहां पर आपका लग्ना लॉर्ड है वहां पर आप पहुंचिए, और वहां जाने के बाद में आप वहां पर कौन सा साइन है, ऑड साइन है या इवन साइन है वो आप देखिए, पुरुष का चार्ट है या स्त्री का चार्ट है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अब वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस और है, एक और ट्विस्ट है जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑड साइन यदि है, जितने भी ऑड साइन हैं आपके जैसा 1, 3, 7, 5 जितने भी ऑड साइन हैं उनमें जो अग्रचर राशियां हैं, ओके, तो उनमें जो अग्रचर राशियां हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ ले जाता हूँ मैं आपको। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, पहला पॉइंट अग्रचर का मतलब है आपका हस्बैंड, अनुचर का मतलब है आपका वाइफ।
जब आपका साइन लग्न लॉर्ड इन अ ऑड साइन के अंदर आ जाए, तो मेष में अगर आ गया, तो जब हम लोग अगर मान लीजिए कि पुरुष का चार्ट देखेंगे, ओके, अगर मेल चार्ट है तो हम लोगों को देखना है अनुचर। तो अगर मान लीजिए मेष राशि वहां पर आई है, तो हमारा अनुचर जो आएगा वो टॉरस साइन होगा, मींस आगे वाला साइन। और वो जो आगे वाला साइन है, वहां से हम लोग फ्रंट में आगे की तरफ बढ़ते हुए जो लगन, जो आपका उपपद है, वो हम लोग निकाल लें, राइट। और अगर मान लीजिए यही चार्ट अगर आपका किसी स्त्री का है, तो वहां पर हम लोगों को लेना अग्रचर राशि, और अग्रचर राशि जो है ऑड साइन में आपका पीछे वाली राशि, राइट। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। हालांकि कई बार मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सिर्फ ध्यान ये रखना है अगर आपका किसी को पुरुष का चार्ट है तो लग्न लॉर्ड अगर आपका ऑड साइन में है, तो हम लोगों को पुरुष चार्ट में पीछे जो आगे वाली राशि है वो उसकी अनुचर राशि होगी, और अगर स्त्री का चार्ट है तो जो आपकी पीछे वाली राशि है वो आपका अग्रचर राशि है, ओके। और ठीक इसके उलट जो आपका इवन साइन से जितने भी सम राशियां हैं, तो सम राशियों में इसका उल्टा हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर सम राशि है, अगर मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड सम राशि के अंदर आ जाए, ठीक है, किसी का मान लीजिए कि टॉरस साइन के अंदर है, और मैं ये चार्ट देख रहा हूँ किसी पुरुष का चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे अनुचर राशि देखनी, तो पीछे वाला जो साइन है वहां से मुझे काउंट करना है। अच्छा, तो मेष हो जाएगा, वो मेष हो जाएगा, और अगर स्त्री का है तो टॉरस से आगे वाला अग्रचर साइन में लूंगा, मिथुन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अग्रचर राशि अनुचर राशि, आई थिंक यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा अब आप लोगों को। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आई थिंक। हाँ, एग्जाम्पल में ही क्लियर होगा ऐसे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए भी। अच्छा, अब इसके अंदर ये कहते हैं, इन जनरल होता क्या है कि हम लोग जब उपपद लगन देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल वे में, तो ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है कि उपपद लगन के अंदर कोई नीच का ग्रह या आपका सेकंड हाउस में नीच का ग्रह है तो आपके जीवन साथी का नाश होगा, या कोई मैलेफिक प्लैनेट्स है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो वहां पर इंपॉर्टेंस जो है हमारे ट्रेडिशनल वे में उपपद लगन में आपका लगन का भी है और उसका सेकंड हाउस का, राइट। लेकिन ये कहते हैं कि भैया आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना, अगर आपका टर्मिनेशन ऑफ मैरिज है, डिवोर्स है या शादी नहीं होगी, तो सिर्फ एक रीजन है, वो है उसका केतु, आइदर लगना और लग्न लॉर्ड। आपका लगना या लग्न लॉर्ड जो है यदि केतु के द्वारा देख रहे जा रहे हैं, दृष्ट है, तो वहां पर आपकी या तो मैरिज नहीं होगी, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज होगी, या अगर मैरिज हो गई किसी बेनेफिक प्लेनेट की वजह से तो वहां पर मैरिज टर्मिनेट हो जाए, सिंपल है। तो यहां पर एक्चुअली सिर्फ एक पॉइंट है, इन्होंने कहा, अच्छा इन्होंने ये कहा, देखिए और कोई भी पाप ग्रह हो, चाहे शनि हो, मंगल हो, एनीथिंग, सूर्य को तो यहाँ पाप ग्रह नहीं माना जाता इन उपपद लग्न के अंदर, एक्सेप्शनल केस माना जाता है, तो जो भी पाप ग्रह है यदि आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वो सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज है तो इट्स ओनली प्लेनेट आपका केतु। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और मुख्य पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि साहब आपका यदि लग्न लॉर्ड जो है, यदि आपका लग्न लॉर्ड यदि वो वक्री हो, ओके, और वक्री ग्रह जो है बेसिकली वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोगों को लग्न लॉर्ड से पीछे वाली राशि जो है वो राशि आपको मेन मान करके, और फिर वो अग्रचर या अनुचर वाला कॉन्सेप्ट वहां से लगा। सपोज किसी का लग्न लॉर्ड जो है वक्री है, और वक्री होकर के वो ग्रह मान लीजिए कर्क राशि में, तो कर्क राशि से पूर्व वाली जो राशि है वो आपकी मिथुन राशि हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि जो अग्रचर या अनुचर हम लोगों को लेना है वो आपका मिथुन राशि से लेना है, मतलब जो भी वक्री ग्रह है उसके पूर्व राशि से हम लोगों को काउंट करना है। ओके, ओके, तो सिर्फ चार पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका लग्न लॉर्ड जहां जा रहा है वो हम लोगों को देखना है, वहां जाकर के वो जो भी साइन है वो हम लोगों को देखना है। अब यहां से अगर पुरुष चार्ट है तो हम लोग अनुचर राशि देखेंगे, और अगर स्त्री चार्ट है तो अग्रचर राशि देखेंगे, करेक्ट,
और ऑड और इवन की अनुचर और अग्रचर राशियां मैंने आपको बताई, आई थिंक इजी है वो ना। तो एग्जांपल पे चले, जरूर जरूर। थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का बहुत तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम तो आएगा स्टार्टिंग में। चलिए स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का, राइट। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, हमारा सबसे पहला स्टेप है कि आपका लग्ना लॉर्ड कहां पर चला गया। तो लग्ना लॉर्ड जो है आपका धनु लगन है, लग्ना लॉर्ड आपका लिब्रा साइन में। ओके, इसका मतलब हमें लिब्रा साइन से, क्योंकि हम पुरुष का चार्ट है तो हम लोग स्त्री का देख रहे हैं, तो हमें अनुचर राशि देखनी है। तो विषम राशि है, तो अनुचर राशि जो है बेसिकली वो आपका लिब्रा से सेकंड हाउस स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है, राइट। अब स्कॉर्पियो से हम लोगों को काउंट करना है उपपद लगन। तो यहां से जब हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 एक मिनट एंड ऑन इट कर लेता हूं मैं। यहां से हम लोग काउंट करते हैं, यहां से यहां तक पहुंचेंगे 1 2 3 4। स्वामी मंगल है, मतलब उसका स्वामी जो है मंगल है, तो मंगल को ले रहे हैं हम मंगल को ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अब यहां से हम लोग मंगल कितनी राशि आगे चला गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां से हम लोगों को 6 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो उपपद लगना वहीं पर आया जो ट्रेडिशनल वे से भी आता है। हाँ ठीक है, हमने अलग तरीके से किया है, ट्रेडिशनल वे से डिफरेंट किया है। हाँ, अब जो ऑथर है दे सेड कि भैया ऐसा है कि टर्मिनेशन ऑफ यदि मैरिज है तो आपके केतु का प्रभाव आइदर लगन से हो या लग्ना लॉर्ड से हो। अच्छा ओके, अब यहां पर बात आती है कि हम लोग यहां पर यूज करते हैं आपका राशि दृष्टि। मैं राशि दृष्टि यूज में लू या आपका ग्रह दृष्टि, तो आप देखेंगे उपपद लगन का जो स्वामी है जो कि बुध है वो बैठा हुआ है मकर राशि। ओके, एंड दिस इज डायरेक्टली एस्पेक्टेड बाय केतु। हाँ, स्थिर राशि से चर राशि। ओके, तो इसका मतलब हमारा पहला चर्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा राइट, तो अच्छा अब इसके ऊपर, हालांकि किसी भी टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखा, किसी भी बुक के अंदर नहीं है ऐसा, या ऑथर ने भी नहीं लिखा, तो मेरे दिमाग में एक चीज ये आई कि ये लगन जो है बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, तो क्या इस लगन में जितने लोग पैदा हुए होंगे क्या सब लोग अनमेरिड होंगे। अच्छा हाँ, ओके, देन आई फाउंड कि पहली शर्त ये है कि आपका लगन चार्ट में ऐसा हो उपपद लगना। Then, मुझे जब मैं नवमांश चार्ट देखूंगा और नवमांश चार्ट में भी अगर मुझे ये योग मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। अच्छा, दोनों में होना चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं नवमांश में भी जरूर। ये हमने D9 चार्ट ओपन किया, अब यहां पर भी हमें सेम चीज लेनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लग्ना लॉर्ड कहां पर गया है हमारा। तो लग्ना लॉर्ड जो है यहाँ पर टॉरस साइन में है, और जो टॉरस साइन है बेसिकली टॉरस साइन जो है आपका इवन साइन है, और हमें यहाँ पर अनुचर राशि लेनी है। तो अनुचर राशि यदि मुझे लेनी है तो आपका पीछे हो गया, ठीक है, सही है। अब मैं यहां से काउंट करूंगा इसका लॉर्ड कहां पर है, तो 1 2 1 2। तो हमारा उपपद लगन जो इस वे से आया दैट इज जेमिनी। ओके, अब मुझे देखना है कि क्या केतु का संबंध इसके लॉर्ड से बनता है या उपपद लगन से बनता है क्या। अच्छा हाँ, केतु का जी, तो केतु का इसका लॉर्ड है बुध, बुध बैठा हुआ है यहां, और केतु महाराज एस्पेक्ट कर रहे हैं राशि दृष्टि और अग्रह दृष्टि दोनों। अच्छा, तो ये कंफर्म हो गया दोनों से है, दोनों से कंफर्म हो गया ना।
क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स मैंने ऐसे देखे कि जहां पर ये योग बनता है लेकिन मेरिट लाइफ इज गुड, तो अच्छा मतलब ये है कि उपपद लगन भी मुझे अगर देखना है तो मुझे जाकर के D9 के अंदर भी चेक करना अच्छा और है। इसमें हालांकि बहुत सारे किसी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि D9 में लेना है तो कौन सा लग्नेश देखे, हम लग्न चार्ट का लग्नेश देखे कि नवांशा का ना ना लग्न लॉर्ड अपने देखे, नवांशा हमें का तो लग्न नौमांशा का देखना है, सिंपल सी चीज है। जब मैं लगन लॉर्ड। चार्ट देख रहा हूँ तो लगन का लग्ना लॉर्ड देखूंगा, नौमांश भी देख रहा हूँ तो नौमांश का लग्ना लॉर्ड। ठीक है ठीक है और खाली लगन से ही मुझे प्रिडिक्ट नहीं करना, मुझे नौमांश में जाकर के चेक करना, अच्छा, तो नवमांस देखना ही है अगर मैरिज देखना ही टर्मिनेशन। है। अगर मैं देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है, किसी की शादी नहीं हाँ हो रही है ना, और ये इतना लंबा होता है आपका लगन का जो टाइम है वो बहुत लॉन्ग लेंथी है, करेक्ट तो जब तक D9 में जाकर के आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे आप नहीं कह सकते। करेक्ट। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी ना, अब तो थोड़ा समझ में आ गया ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, नेक्स्ट चार्ट लें कोई। जरूर थोड़ा स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, तो दो तीन में करेंगे तो इजी हो जाता है फिर। हाँ उसमें थोड़ा समझ में आएगा, पहले इतना आसान नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ बाबा रामदेव जी का चार्ट ले लेते हैं हम लोग, राइट। अच्छा, उनका भी चार्ट है आपके पास? हाँ ये उनका चार्ट है। अच्छा ओके अब मेरा कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पर कि लग्ना लॉर्ड कहाँ पर गया है। ठीक है, तो जो लग्ना लॉर्ड है वो आपका कैप्रिकॉन साइन है, कैप्रिकॉन में। और जो कैप्रिकॉन साइन है बेसिकली वो है आपका इवन साइन, तो मुझे बिल्कुल अनुचर देखना है यहाँ पर, तो आई विल सी 12th फ्रॉम योर कैप्रिकॉन अनुचर। तो जो इसका लॉर्ड है, अब आप देखिए जुपिटर। गुरु। ओके अब जब मैं जुपिटर को देखता हूं और उसका पद मैं अगर निकालता हूं तो ये अपने से 7th हाउस में चला गया। हाँ, मिथुन राशि में चला गया है। ठीक है, और हमारा जो रूल है कि साहब ये सप्तम में या लगन में आपका पद नहीं आता, हाँ तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसका 10th साइन देखते हैं। तो यहां से जब मैं यहां पर पहुंचा तो ये साइन आ गया आपका, ये लग्न, तो मुझे हाँ यहां से 10th हाउस देख लेना है, राइट। अच्छा, मतलब गुरु से 10th नहीं है, लगन से ही 10th देखना है, तो हाँ लगन से आपका ही कन्या 10th देखेंगे ना, राशि पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो आपका कन्या राशि क्या, तो ठीक है। हाँ, अब व्हाट इज आवर रूल। बुध। हमारा रूल यही है कि आपका लग्ना लॉर्ड या आपका लग्न आपका केतु के द्वारा दृष्ट होना चाहिए या संबंध बनाना चाहिए, अच्छा तो बुध इज विद केतु। कंफर्म हो गया है तो। कंफर्म हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा पॉइंट्स में अगर देखें इसका D9 चार्ट की हम लोग देखें, तो D9 अच्छा, चार्ट में चलते हैं हम लोग। D9 तो अब देखना ही D9 का पड़ता भी मुझे वही चीज देखनी है, तो अब आप देखिए जुपिटर है। अब यहां पर अपने को वही चीज लगानी है। ये वृश्चिक राशि आएगा फिर तो, बिल्कुल यहां से आपका ये आठवें घर में आएगा उपपद। बिल्कुल। तो अब अगर हम लोग चंद्रमा यहां से देखें तो सबसे बड़ी चंद चीज ये है, पहली चीज है कि यहां से आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो देखना है अपने को, तो लग्ना लॉर्ड यहां पर वक्री है, तो वक्री है तो हम अच्छा लोगों को पीछे पीछे जाना है यहां पर एज पर द रूल, है ओके। हाँ, करेक्ट। ना। अब यहां से जाना है तो अनुचर राशि देखनी है, अच्छा अब हम लोगों ने अनुचर राशि देखी इसकी, तो अनुचर राशि जो यहां पर आएगी वो आपका आ गया पीछे वाला साइन, दैट इज लियो। हाँ करेक्ट। लियो का लॉर्ड जो है वो अपने से 12वें गया हुआ है, तो हाँ जब मैं पद निकालूंगा 12वें से तो पद आपका आएगा यहां पर, है हाँ करेक्ट ना। लेकिन यहां करेक्ट। पर जो है, यहां पर जो है हमारा जो रूल था कि राशि दृष्टि आपका केतु का आना चाहिए उपपद लगना या लग्ना लॉर्ड के ऊपर, हाँ यहां पर राशि दृष्टि नहीं है, हाँ नहीं है। इवन जो है ग्रह दृष्टि यहां पर आता है।
तो इन मेनी केसेस आई हैव सीन इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट बना है, बट क्यों है आई डोंट नो. अच्छा राइट. तो सबसे पहली चीज यही है कि कोई सा भी चार्ट हम लोगों को लेना हो, वहां पर जाकर के हम लोगों को लग्ना लॉर्ड की स्थिति क्या है वो देख, अच्छा. अनुचर अग्रचर उसके ऊपर ध्यान देना है, और D9 के ऊपर जाकर के भी चेक करना है. ओके, कुछ चार्ट्स के अंदर, जैसा ये चार्ट हमारे सामने आया है, कुछ चार्ट्स के अंदर ऐसा हुआ है कि वहां पर राशि दृष्टि ऑफ केतु का नहीं है, लेकिन आपका ग्रह का दृष्टि बनता है. क्यों है? अच्छा, मतलब इस केस में भी देखा है कि टूटा है. इस केस में भी D9 के अंदर हो रहा है. अच्छा, तो हो सकता है D9 रॉन्ग हो या जो भी है, अपने को नहीं पता, है ना. हाँ ओके. और कोई चार्ट लें इसका, अनमेरिड का, या हम लोग कोई ऐसे चार्ट लें जो कि डिवोर्स कपल हो. हाँ, डिवोर्स का ले सकते हैं. डिवोर्स का ले सकते हैं ना. तो एक चार्ट है हमारा डिवोर्स का, डिवोर्स वन. ये जो चार्ट है बेसिकली ये मेल का चार्ट है. अच्छा, पुरुष का चार्ट है. ओके, अब पुरुष का चार्ट है तो सबसे पहले हमें देखना है कि लग्ना लॉर्ड कहाँ पर है. तो जो लग्ना लॉर्ड है वो आपका लग्न में ही बैठा है. करेक्ट. और हम लोगों को यहाँ पर अनुचर राशि देखनी, ठीक है. तो इसका अनुचर क्या होगा? इन आउट साइन, आगे वाला. करेक्ट. ओके, तो आगे वाला साइन अगर है तो मैं यहाँ पर देखूं तो बुध अपने ही घर में बैठा हुआ है. तो बुध अपने घर में बैठा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सीधा हम लोगों को 10th साइन पे जाना है. अच्छा, करेक्ट. ओके, तो यहां से 10th साइन कौन सा हुआ? मिथुन आ गया. मिथुन. अब मिथुन पे अगर हम लोग देखें तो इट इज अ ड्यूअल साइन, राहु है और केतु का भी प्रभाव आ गया यहाँ पर. केतु का भी दृष्टि है. करेक्ट. अब मुझे ये D9 में भी जाकर के कंफर्म करना है, तो D9 चार्ट पे चलते हैं. अब सेम वही है कि यहाँ पर लग्ना लॉर्ड कहाँ पर है वो देखना है मुझे. तो लग्ना लॉर्ड ये देना इवन साइन. इवन साइन में अनुचर जो है पीछे वाला राशि है. ओके, तो यहां से लग्ना लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस ये आपका उत्पत लग्न हो गया. ओके, दिस इज अ ड्यूअल साइन. हाँ, तो अगर ड्यूअल साइन में देखें तो राहु केतु सबका प्रभाव है. करेक्ट करेक्ट. आ रहा है? तो जो हमारा शर्त है केतु इज देयर, मस्ट बी देयर. अच्छा ओके, है ना. ये सारे के सारे यहां देख रहे हैं ना आपको उत्पत लग्न में. करेक्ट. तो ये था हस्बैंड का चार्ट. अब सेम इसमें जो है अब फीमेल का चार्ट लेते हैं, क्योंकि अब तक कोई चार्ट आया नहीं है फीमेल का. डिवोर्स टू. ओके, ये जो है उनकी वाइफ का चार्ट. अच्छा, फीमेल का चार्ट है एक्चुअली. तो फीमेल का चार्ट है तो राशि चक्र में देखते हैं. सूत्र वही है, वेयर इज लग्ना लॉर्ड. तो लग्ना लॉर्ड जो है छठे भाव में बैठा हुआ है, और वहां पर साइन जो है वो है आपका इवन साइन. ओके, इवन साइन है तो मुझे अब यहां पर देखना है अग्रचर. तो इवन साइन में जो होगा अभी, हाँ जी, आगे होगा लेडीज के केस में. आगे होगा, आगे होगा, बिल्कुल. तो यहां पर हम लोग यहाँ पर आपका कुंभ राशि में जाते, तो ये आपका अग्रचर राशि. अब इसका जब पद निकालेंगे तो शनि कहाँ पर है? 9th हाउस में. नवे में है, वहां से 9th राहु आ गया फिर जेमिनी में, क्योंकि राहु है तो वहां पर केतु का भी प्रभाव. करेक्ट. राइट, तो हमारा ये चार्ट कहता है कि यस, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो. ओके, अच्छा. राइट, अब D9 चार्ट में जाते हैं हम लोग. हाँ, अब यहां पर आप देखिए कि वही सूत्र है, लग्ना लॉर्ड और अग्रचर. हाँ, तो लग्ना लॉर्ड जो है आपका अष्टम स्थान में है. करेक्ट. अष्टम स्थान में तो अग्रचर राशि जो है कुंभ राशि है. हाँ, लॉर्ड अपने से 12वें में है.
यहाँ से काउंट करके पहुंचे तो यहाँ पर हम लोग वापस आ गए, फिर से राहु केतु, राहु राहु और केतु का प्रभाव, करेक्ट। तो दिस इज अ चार्ट फॉर अ टर्मिनेशन। बहुत से चार्ट्स ऐसे हैं, कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जैसा बाबा रामदेव जी के चार्ट में, वैसे कई चार्ट्स ऐसे हैं जहां पर दृष्टियां जो हैं, हम लोग अगर राशि दृष्टि लगाते हैं तो वो नहीं लगता, लेकिन आपका ग्रह दृष्टि वर्क कर, बट टेक्स्ट जो कहते हैं वो आपका राशि दृष्टि को ही यूज मिले। अच्छा ओके। अच्छा अब एक चार्ट ऐसा ले लेते हैं कि पर्सन वॉन्ट टू डिवोर्स, उनको डिवोर्स चाहिए लेकिन उनका डिवोर्स नहीं हुआ, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा। ओके अच्छा ठीक तो है, यहां पर हम लोग लिखते हैं ओके। सो दिस इज अ मेल चार्ट अगेन। तो अब हम लोगों को देखना है कि मेल चार्ट है तो लग्ना लॉर्ड देखना है कहां पर है। तो जो लग्नेश है वो वक्री है, हाँ और वक्री है तो हम लोगों को ये साइन लेना है, करेक्ट। ठीक है। अब मुझे यहां पर अनुचर देखना है कि अनुचर राशि कौन सी बनती है। तो अनुचर राशि कौन सी होगी यहां पर, है ना, इनका तो ये आगे वाला, हाँ आगे वाला राइट। तो ये अपने से सेवंथ हाउस के अंदर है। हाँ ओके ओके तो हम लोगों को यहां से टेंथ साइन जाना है सीधा, ठीक है, यहां आ गए हम लोग, ठीक है, समझ गए ना। जैसे यहां पर मैं पद पे पहुंचा तो शनि वापस से यहां पर आ जाएगा, तो मुझे यहां से टेंथ हाउस काउंट करना है, करेक्ट करेक्ट, है ना। अब यहां पर आप देखिए लॉर्ड ऑफ द, यहां पर राहु बैठा हुआ है, इसका जो लॉर्ड है वो कहां पर है, शुक्र, हाँ दूसरे में, क्या केतु का दृष्टि आ रहा है वहां पर, हाँ शुक्र पे तो है, शुक्र पे आ रहा है एस्पेक्ट। तो जो ऑथर कहते हैं कि साहब टर्मिनेशन ऑफ मैरिज होगा तो वो यहाँ पर प्रूव होता है, करेक्ट। अब मुझे जाकर के चेक करना है कि क्या यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो कॉन्सेप्ट है आपका डी नाइन में भी लगता है। अच्छा तो हम लोग डी नाइन में चेक करते हैं, डी नाइन पे आ जाए अगेन। डी नाइन पे लग्ना लॉर्ड जो है वक्री है, अच्छा मंगल, तो ये साइन हम लोगों को लेना है, करेक्ट। और यहां से मुझे अनुचर राशि देखनी है, तो ये फिर कर्क ही आएगा, कर्क ही आएगा एग्जैक्टली। अब कर्क ही आएगा तो कर्क का जो स्वामी है वो यहां है, तो उपद लगन कौन सा हो गया, हाँ टॉरस, टॉरस हो गया। अब टॉरस हो गया तो वहां राहु जरूर बैठा है, हाँ ठीक है। टॉरस के ना तो लॉर्ड के ऊपर ना टॉरस साइन के ऊपर केतु का दृष्टि, हाँ शुक्र पे भी नहीं है, टॉरस पे भी नहीं है, लेकिन राहु महाराज बैठे हुए। अच्छा तो इवन अ पर्सन वांट टू डिवोर्स, उसको डिवोर्स चाहिए, कई सालों से अलग भी रह रहे हैं, कई सालों ऑलमोस्ट 7-8 years 9 years से, लेकिन देर इज नो डिवोर्स। अच्छा तो इसमें नवांश इसलिए नहीं हो रहा है, हाँ नवमांश में नहीं, अच्छा ओके, अगर नवमांश में होता तो हम लोग कहते कि, और हम लोगों को ना यहाँ पर जो हमारे जो टेक्स्ट है राशि दृष्टि जी देखी है, क्योंकि हो सकता है कि नवमांश अगर आपके पास में करेक्ट नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा अच्छा करेक्ट करेक्ट, है ना। तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा लग्न चार्ट में भी योग बने और हमारा डी नाइन चार्ट के अंदर भी योग बने। हाँ ये बात सही है, तो वो चीजें आपकी कंप्लीट हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, ये तो एकदम क्विक, एकदम फटाफट से, मतलब पूरा पता चल जाएगा ना।
हाँ आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ चार्ट्स है जैसा मैंने बताया, वेरी फ्यू चार्ट्स के अंदर बड़े डिफरेंट से तरीके से आता है कि कॉन्सेप्ट बन रहा है। वहां पर एक साइन के अंदर आपका राशि दृष्टि ग्रह दृष्टि आ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चार्ट्स के अंदर थोड़ा लोग नहीं कह सकते ऑलमोस्ट, बाकी मैक्सिमम चार्ट्स जितने 80% से ज्यादा चार्ट्स के अंदर दिस थ्योरी इज वर्किंग अमेजिंग। ओके तो जो रिसर्चर जो हैं जिन्होंने ये रिसर्च किया है, मैं कहूंगा कि वाकई में बहुत दमदार चीज है। मानना पड़ेगा, मतलब और इतना इतना फास्ट ऐसे पता करना, मतलब ऐसे तो ज्योतिषियों को भी कितना मुश्किल होता, दोनों कुंडली ऐसे हाँ मिला काफी हो, मुश्किल होता है। अच्छा देखो ये और नहीं देखो। देखिए ट्रेडिशनल वे में जब हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोगों को दोनों साइन की देखने की होता है कि आपका लग्न भी देखेंगे, लग्ना लॉर्ड भी देखेंगे, सेकंड हाउस देखेंगे, उसका स्वामी देखेंगे, और फिर वो मैलेफिक्स देखेंगे, तो वहां से भी रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर करेक्ट, जो इन्होंने कहा कि सिर्फ केतु इज अ टर्मिनेटर, हाँ तो वो बात अच्छा, समझना, बहुत ये क्लियर विशेष बात रूल है, मतलब नियम बड़ा साफ है कि केतु है साफ है। यहाँ से लिंक तो है वरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 बहुत, ये एक्चुअली दिखते में जितना जितना मुश्किल लग रहा था उतना उतना ही है नहीं आसान है वो एक्चुअली। जी, बस ध्यान ये रखना है ना कि अनुचर राशि अग्रचर राशि का ध्यान रखना है, ऑड इवन साइन का ध्यान रखना है, और आपको वो एक्सेप्शन केसेस वाला भी ध्यान रखना है, वक्री करेक्ट है तो करेक्ट ध्यान रखना है, ये है थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत तो कल आसानी एक से बार निकल देखेंगे गया। वीडियो में, हाँ अगर एक दो बार आप वीडियो को भी देखेंगे ना जो भी आप देख रहे हैं, तो आपको समझ हाँ में आ जाएगा ये चीज। और सर कंसल्टेशन भी करते तो हमारे जो दर्शक है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा, तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं इनसे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा हुआ है फोन नंबर ईमेल उस पे कांटेक्ट करिएगा इनको। और आपको अगर पसंद आया वीडियो जो मैं जानता हूँ आया होगा डेफिनेटली, तो प्लीज कमेंट्स में हमें लिख के बताइए क्या अच्छा लगा, और आप ये भी बताइए कि सर से आप और क्या देखना हो और क्या सीखना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली सर और मैं नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे बैठ के फिर से सर को बुलाएंगे और सर वो समझाएंगे आपको और मुझे सबको। तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए आप क्या चाहते हैं, और ऐसा कोई टेक्निक जो आप सीखना चाहते हैं, और पिछला भी वीडियो है वो भी आप देखिए जरूर, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे। तो और ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल था, तो अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ तो फिर से देखिए, बिगिनिंग में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। थैंक ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यू, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।